हेलो गेमर्स, तो कैसे हो यार आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री फायर की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो शायद ही आपको पता हो, तो इसलिए एंड तक बने रहना। और एंड में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। अगर मैं इसको बेस्ट बैटल रॉयल गेम ना बोलूं तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्री फायर के प्ले स्टोर पर तकरीबन 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आंकड़ा अभी से करीब 6-7 महीने पहले का है। और जहाँ तक मुझे लगता है फ्री फायर बहुत ही जल्द 1 बिलियन डाउनलोड्स भी कंप्लीट कर देगा। फ्री फायर गेम की पॉपुलैरिटी हर वक्त बढ़ती ही जा रही है। बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर फ्री फायर टॉप बैटल रॉयल गेम्स में बना पड़ रहे हैं। फ्री फायर को करीना कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गाइस, आपने भी ये बातें ज़रूर सुनी होंगी बहुत बार कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ्री फायर पहले आया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि पबजी पहले आया था। मतलब उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है इस चीज़ को लेकर कि आओ देखते हैं किसका गेम बेटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पबजी मोबाइल की रिलीज डेट की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, 9 फरवरी 2018 को पबजी मोबाइल ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फ्री फायर के ऑफिशियली लॉन्च डेट की। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, 20 नवंबर 2017 को फ्री फायर ऑफिशियली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर लॉन्च हुआ था। इस चीज़ को सुनने के बाद फ्री फायर की जो प्लेयर्स हैं उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो जरा सबर करो। लेकिन गाइस, हकीकत तो ये है कि जो फ्री फायर की कंपनी है करीना कंपनी, उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने पबजी पीसी से इंस्पिरेशन लिया फ्री फायर के लिए। तो भाई लोगों, ये बिल्कुल भी मतलब ये भाई किसी को भी हेट पहुँचाना नहीं था, ये सिर्फ मैंने फ़न के लिए बनाया यार। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो गाइस, अब हम बात करने वाले कि कैसे फ्री फायर इतना ज़्यादा फेमस हुआ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्री फायर का साइज़ जो है तकरीबन 700 से 750 या 800 MB के अराउंड आता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि ज़्यादातर बंदे फ्री फायर को जो है डाउनलोड कर लेते हैं, वहीं पे जो पबजी है उसका साइज़ है 2 GB। आपको पता ही होगा भाई, इंडिया में मतलब हर बंदे के पास इतना नेट नहीं होता, ऊपर से भाई उसको और भी जो काम होते हैं उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस वजह से फ्री फायर के डाउनलोड्स कम है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि फ्री फायर को हर बंदा इजीली अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके खेल सकता है, लेकिन भाई जो पबजी है वो बंदे शेयर करके ले लेते हैं। साथ ही साथ फ्री फायर, आपको पता होगा, अगर आपके डिवाइस की रैम 1 GB भी है, फिर भी फ्री फायर आपके डिवाइस में ईजीली चल जाता है, वहीं पर पबजी मोबाइल के लिए भाई 4 GB रैम चाहिए होती है। तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी पबजी में। तो गाइस, इसी वजह से आप कह सकते हो कि फ्री फायर के डाउनलोड्स इतने ज़्यादा हैं। तो गाइस, इसी रीज़न के कारण फ्री फायर को 2019 के अंदर बेस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम का अवार्ड मिला है, जो कि फ्री फायर के लिए और फ्री फायर के प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस, क्या आपको पता है 2018 के अंदर फ्री फायर पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला गेम्स में 4th नंबर पर आया था। तो गाइस, अब हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक में से एक कि फ्री फायर हर साल कितना पैसा कमाता है। तो गाइस, क्या आपको पता है फ्री फायर हर साल 100 मिलियन प्लस डॉलर्स कमाता है, बल्कि इससे ज़्यादा कमाता होगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल के थ्रू मिली है। तो गाइस, जाहिर सी बात है, जिस गेम को ज़्यादा बंदे खेलते होंगे, बंदे उसके ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करते होंगे, अच्छे अच्छे आउटफिट्स लेने के लिए, स्किन्स लेने के लिए, जिस वजह से आप कह सकते हो भाई फ्री फायर इतने ज़्यादा पैसे कमाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा भाई, फ्री फायर के अंदर हर महीने एक नया फायर पास आता है, जिससे भाई अंधा पैसा कमाता है फ्री फायर। हाँ, तो इस मामले में अगर कह सकते हैं भाई, फ्री फायर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है हर साल।
पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इन सभी रीजंस के कारण हम कह सकते हैं फ्री फायर पॉपुलर हुई या हुआ। हाँ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एंटरटेन करने की। और आपको फिर बता देता हूँ भाई, ये वीडियो किसी को भी हिट पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये मैंने फ़न के लिए बनाया। तो यार मजाक हो, मजाक की तरह लो यार। तो आखिरी में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।